Good morning children, this is video part 18 of class 7th maths, and in this video we are going to solve exercise 2.5 question number 1 which is greater. आपको बताना है कि ये दोनों numbers में से कौन सा number greater है, बड़ा है. तो यहाँ पे decimals के जो number दिए हुए हैं 0.5 and 0.05, right? तो आपको पहले नंबर ऑफ डिजिट चेक करना है लेफ्ट और राइट दोनों साइड में. आप यहाँ देख रहे हो कि फर्स्ट नंबर में लेफ्ट साइड में एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है. उसके बाद यहाँ पे आप राइट साइड में देखो, यहाँ पर एक ही डिजिट है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड प्लेस है वो जो है ब्लैंक है. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जीरो पुट करोगे. अभी आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट साइड को कंपेयर करना है, बाद में राइट साइड को कंपेयर करना है. तो हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड को कंपेयर किया तो ये दोनों जो है इक्वल नंबर है. फिर हम अब राइट साइड में चलते हैं, ये 5 है और ये 0 है. तो आप इजीली बता सकते हो कि ये नंबर क्या है, इससे ग्रेटर है. दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर. सो 0.5 इज़ ग्रेटर नंबर देन 0.05. ओके, और क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं. इसमें 7 है और 0.5 है. ओके, अब यहाँ पे देख, आप देख रहे हो कि कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ है. डेसिमल नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज याद रखना, ये होल नंबर में अगर डेसिमल नहीं हो तो डेसिमल हम उसके पीछे लगाते हैं, बैक साइड में, राइट. अभी आप देख रहे हैं कि दोनों के लेफ्ट साइड में एक एक डिजिट है. अब राइट साइड में यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ कोई नहीं है, तो हम यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे. नाउ अभी आप कंपेयर कीजिए, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट. और लेफ्ट में हमने कंपेयर किया तो यहाँ 7 है, यहाँ पर 0 है. तो आप इजीली कह सकते हो कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0.7. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट.